असल मेरे पाकिस्तान मैं हूँ जोहेब खटक सियाने कहते हैं बैड एक्सपीरियंस गिव यू गुड लेसन और वो गुड लेसन आपको तब मिलता है जब आप एक बैड एक्सपीरियंस से एक वर्स्ट एक्सपीरियंस से गुजरते हैं मेरा ही ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ एयर ब्लू के साथ कि मुझे बदकिस्मती कह लें या मजबूरी के साथ कह लें एयर ब्लू के साथ सफ़र करने का जो है एक मेरी किस्मत में लिखा था मेरे पास कुछ लेगेज थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया था और आपको पता है हमारी एयरलाइंस कुछ पाँच दस किलो दीगर इंटरनेशनल एयरलाइंस की नस्बत से कुछ ज़्यादा ही देती हैं तो मैंने इस वजह से एयर ब्लू का इंतखा किया मैंने पहले हेल्पलाइन पर कॉल की इनसे पूछा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ज़ाहिर आप जानते हैं कोरोना के दिनों में ट्रैवलिंग जो है उसके कुछ कवायद जवाबे चेंज हो चुके हैं कुछ आपको टेस्ट चाहिए होते हैं कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं और कुछ एप्लीकेशन हैं वो इंस्टॉल करनी होती हैं तो इस वजह से मैंने पहले कॉल की कि ताकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन हो और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मेरे पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन वो वैलिड हों और मैं ट्रैवल ईजिली कर सकूँ मेरे साथ एयरपोर्ट पर कोई जो है इस तरह का मसला परेशानी ना हो मैंने हेल्पलाइन से सारी इंफॉर्मेशन गैदर की वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो एप्लीकेशन वो सब फिल वो किया और मैं टिकट लेके एयर ब्लू की जो है फ़्लाइट उस पर पहुँचा अब जो ग्राउंड जो स्टाफ है उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी बद अखलाक़ी और बदतहजीबी के साथ मेरा पुरतपाक इसकबाल किया सिर्फ मेरा नहीं दीगर सारे पैसेंजर्स के साथ यही रवैया क्योंकि ज़्यादातर हमारे शलवार कमीज़ में थे या जाहिर सब ग्रीन पासपोर्ट होल्डर थे उन्हें पता था कि यह पाकिस्तानी इनकी जितनी तज्लील करो उतनी कम है तो हजब ज़रूरत उन्होंने जिसको जितना समझा उतना जलील किया और सबसे पहले बैगेज़ में लोगों को तंग किया गया मुझ समेत बताया गया कि जी आपके बैगेज का साइज़ जो है वो इतने इंचेस नहीं है इतने इंचेस होना चाहिए ये मैंने पहली दफ़ा सुना है किलोग्राम्स का तो हमें पता था कि किलोग्राम्स में जो है आपको 20 के से ऊपर जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो एविएशन के जो रूल्स हैं ट्वेंटी के से ऊपर आप बैगेज नहीं बना सकते कुछ एयरलाइन थर्टी के तक भी अलाउ करते हैं तो वो आप नहीं बना सकते तो मैंने 20 के से कम ही रखे हुए थे लेकिन जो पैकेज का साइज़ होता है आ, वो जो है कुछ थोड़ा सा बड़ा था उसके ऊपर इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन किया और कहा कि अगर आप फी बैगेज जो है वो 250 हंड्रेड हम देते हैं तो हम आपको जाने देंगे इसी बैगेज के साथ अगर नहीं देते तो वापस जाएं और वो लाइन में लगें वहाँ पे जो है अलग से पैकेज बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे आप ये सारे वहाँ पर जाके दोबारा खुलवाएँ दोबारा पैक करा के दोबारा लाइन में लगें ये पहला जो है मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैंने कहा चलें एयरलाइन की पॉलिसी है लेट इट गो मैं गया मैंने जाके जो है सारा अपना पैकेज दोबारा वो तैयार करवाए छोटे छोटे पैकेजेस में करवाया मैं दोबारा आया डॉक्यूमेंट्स की लाइन में डॉक्यूमेंट्स में जो है मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका फलां फलां जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है हम इसको नहीं मानते मैंने इसे कहा कि ये हजूर वैलिड भी है इस पर डॉक्टर की स्टैंप भी है हॉस्पिटल का नाम भी है और अगर आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये फोटो कापी भी नहीं है आप कन्फर्मेशन कर सकते हैं इस पर ई भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है उन्होंने कहा नहीं हमारी जी ये एयरलाइन की पॉलिसी के खिलाफ है तो मैंने उनसे कहा कि हजूर मैं आपकी एयरलाइन का टिकट परचेज करने से पहले आपका जो जो हेल्पलाइन है उस पर कन्फर्मेशन ले चुका था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो उन्होंने मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताई मैंने वो फुलफिल करने के बाद आपका टिकट परचेज़ किया और मैं एयरपोर्ट पर आऊँ उन्होंने कहा नहीं जी हेल्पलाइन की बात ही नहीं सुन रहे हालांकि हेल्पलाइन जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है एयरलाइन को वो इसलिए हेल्पलाइन है कि वो कस्टमर्स के जो है वो हेल्प करें उनको बताए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं खैर उन्होंने वो हेल्पलाइन वाली बात मेरी सुनी अनसुनी कर दी उन्होंने कहा बैठें हम आपको बताते हैं कि जी आप फ्लाई कर सकते हैं हमारे साथ या नहीं कर सकते अब मुझे ना इकरार कर रहे हैं ना एक इनकार कर रहे हैं बिठाया हुआ इंतजार कर रहे हैं दो से ढाई घंटे मेरे वहाँ ज़ाया करवाए और मैं अब इस शशोपंज में मुबतला हूँ कि आया ये मुझे फ्लाई करने देंगे भी या नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास जो कोरोना आपको पता होगा जो दीगर फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं उनको पता होगा कि कोरोना की जो आजकल का टेस्ट है उसकी 48 एट आवर्स की वैलिडिटी ये लोग मांगते हैं एयरलाइंस तमाम कि 48 एट आवर्स का वैलिड आपके पास पीसीआर टेस्ट हो तो आप उस पर फ्लाई कर सकते हैं 49 नाइन आवर्स में आपका वो इनवैलिड हो जाता है आपको दोबारा से पीसीआर करवाना पड़ता है जिसका रिजल्ट 24 से अड़तालीस घंटों में आता है यानी आपके फिर दो से दो से जो है ना एक से दो दिन फिर आपके ज़ाया होते हैं अब मैं बैठा हूँ मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि मैं दूसरी किसी एयरलाइन का टिकट खरीद सकूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेरा जो है बोर्डिंग पास इशू करके दोबारा इन्होंने मेरे से ले लिया मैं बैठा हूँ दो से ढाई घंटे गुजर गए एयरप्लेन के फ्लाई करने में दस से पंद्रह मिनट रह गए थे तब एक बंदा मेरे पास आया और वही बदतमीज़ और बद से कहने लगा ये इस पर साइन करें यहाँ पर और आप ख़ुद जिम्मेदार हैं ये जाके उधर जमा करा दें इस तरह तो पहले ही मैं ऑलरेडी इतना जो है डिप्रेशन में स्ट्रेस में बैठा हूँ कि पता नहीं क्या होगा मैं फ़्लाई करूँगा नहीं करूँगा ये मुझे जो है दूसरी एयरलाइन का टिकट लेना पड़ेगा ये मेरा पी वैलिड रहेगा तब तक नहीं रहेगा दूसरी लाइन का टिकट मुझे टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा सो मैं बड़े अजीब वरीब किस्म के जो है ना उसमें मुबतला था कि मेरे साथ पता नहीं होगा तो क्या होगा अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने मेरे से वो फॉर्म साइन करवाया मैं अपनी जिम्मेदारी पे जो है फ्लाई किया और ग्राउंड स्टाफ का अमला उनका जो रवैया इंतहाई तजीकमेज़ और बदतमीज़ और बदखलाकी से भरपूर अगर आप अपने आप को अपने दोस्त अहबाब को और अपने फैमिली मेम्बर्स को जलीलो रसवा करना चाहते हैं और जिंदगी का तलख होने का तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं फ्लाइंग करते हुए तो आप एयर ब्लू का इंतब करें आपका यह ख्वाब पूरा हो जाएगा मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं घोड़े पर गे पर खच्चर पर ऊंट पर सफर कर लूंगा लेकिन एयर ब्लू पर सफ़र नहीं करूँगा यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एज आ एयर ब्लू पैसेंजर जो मैंने आपके साथ एज आ रिव्यू शेयर किया उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से बाकी लोगों को भी फायदा होगा और वो एयरलाइन का इंतखाब करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचेंगे बहुत शुक्रिया